भारत आज 74वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरा देश मना रहा है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल की तरह लाल किले से भारतीय ध्वज को बड़े शान से फहराया है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो हर साल की तरह जिस तरीके से वो भाषण देते हैं, इस बार भी उन्होंने अपने भाषण में कई सारी महत्वपूर्ण बातें कही हैं, लेकिन उन महत्वपूर्ण बातों में एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, कहीं ना कहीं भारतवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। जी हाँ, नेशनल हेल्थ मिशन, जो डिजिटल इंडिया की बात कर रहे थे तो उन्होंने इसमें डिजिटल भी लगाया है और इसको कर दिया नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जो कि सभी लोगों के लिए हर भारतीय वासी को ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। उस नंबर के तहत एक ही प्लेटफॉर्म पर आपकी चिकित्सा से जुड़ी, यानी कि आपके हेल्थ से जुड़ी सारी जानकारी मुहैया कराई जाएगी। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आप क्या दवा लेते हैं, आप किस डॉक्टर से मिल रहे हैं, आपकी क्या रिपोर्ट्स हैं, आपने कहां पर दिखाया है, हेल्थ सेक्टर की बात करें या फिर हेल्थ सेंटर्स की बात करें तो सारी जानकारी इस आइडेंटिफिकेशन नंबर में मुहैया कराई जाएगी। तो कहीं ना कहीं भारतवासियों के लिए ये एक बड़े तोहफे के रूप में आज उन्होंने दिया है। अगर कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस के चलते इस उत्सव में इंडिपेंडेंस डे पर इसका असर साफ देखने को मिल रहा था। बड़े ही सीमित संख्या में लोगों को इस मौके पर लाल किले पर आमंत्रित किया गया था। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो उसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। 74 जो आज आज़ादी को 74 साल हो चुके हैं, तो 74 सालों में शायद ही ये पहला मौका होगा जब इस तरीके से महामारी आई है और इस महामारी में भी इतनी ज़बरदस्त तरीके से, या फिर यूं कहें कि इतनी सादगी से स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाया गया है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ दिलीप हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।